वेलकम एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द एक्टिव ट्रांसपोर्ट टर्जिडिटी एंड सम मोर टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इन द प्रीवियस लेक्चर वील डिस्कस द फंक्शन ऑफ द रूट एंड द फिनोमिना ऑफ द रूट। टू फिनोमिना आर लेफ्ट, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट फिनोमिना। नाउ नेक्स्ट इज Active transport. In the previous lecture, we discussed the diffusion, osmosis, and the imbibition. In the osmosis, we discussed the two more types, that is endosmosis and exosmosis. Now, in active transport, in this phenomena, movement of molecules from lower concentration टू अ हायर कंसेंट्रेशन। अभी तक डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में हम लोग ने देखा था मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू अ लोअर कंसेंट्रेशन। पर यहां पे क्या है, यहां पे लो कंसेंट्रेशन टू अ हाई कंसेंट्रेशन। दैट मीन्स दिस फिनोमिना वर्क्स अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेविटी। Against the concentration gravity, for that phenomena they need energy. इसके लिए एनर्जी जरूरत पड़ती है और एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये आपको पता है। अगर एग्जाम्पल लें, हमारे जो घर में पंप होते हैं, पंप का काम क्या होता है कि वाटर को ट्रांसलोकेट करता है वो आपके फ्लोर पे जो टैंक लगा हुआ वहां पर। तो नीचे से ऊपर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत लगती है और ये वर्क होता है कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के अगेंस्ट पर। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट पे काम होता है। तो क्वेश्चंस यहाँ पूछता है विच फिनोमिना रिक्वायर्स एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टिंग द वाटर और वाटर एंड मिनरल्स। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्लियर। तो दिस इज अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ द पाथ ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन। अगर रूट वाटर को अब्सॉर्ब करता है तो पाथ क्या ट्रेवल करता है। सबसे पहले अगर एक रूट का स्ट्रक्चर देखें, ये अंडरग्राउंड पार्ट है, तो रूट में ऐसे रूट हेयर्स निकल रहते हुए, दीज आर रूट हेयर्स। तो जो वाटर और मिनरल्स का अब्सॉर्प्शन का मेजर काम है वो रूट हेयर्स का है। एयर क्वेश्चन पूछता है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल, दैट इज कॉल्ड द रूट हेयर। दिस इज द आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल और लैटरल साइड में निकलते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है रूट के, आउटग्रोथ और एपिडर्मल से जो बाहर क्लियर होते हैं उसको एपिडर्मल सेल बोलते हैं। लैटरल साइड में निकले होते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं, थिन होते हैं। यूनिसेलुलर हैं, थिन, बहुत पतले होते हैं ताकि वो इजिली अब्सॉर्ब कर ले वाटर को, क्लियर। नाउ द पाथ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट, कैसे रूट को अब्सॉर्ब करते हैं। रूट हेयर, सबसे पहले रूट हेयर अब्सॉर्ब करेगा। पाथ ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्प्शन, फर्स्ट इज रूट हेयर। रूट हेयर पहले वाटर को अब्सॉर्ब करेगा, फिर उसके बाद जो है आउटर लेयर, जो है आउटर लेयर इज कॉल्ड द एपिडर्मल सेल, ये जो है अब्सॉर्ब करेगा। फिर उसके बाद है हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल जाएगा, हाइपोडर्मल सेल के बाद आपका कॉर्टेक्स,
ये कॉर्टेक्स में पहुंचेगा। अब सोच रहे ये सब क्या है, ये इंटरनल पार्ट है प्लांट्स का, तो उस तरीके से पहुंचेगा। कॉर्टेक्स के बाद आपका जाएगा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद इट गोज टू पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद वहां पे स्ट्रक्चर्स होते हैं, टिश्यू होता है, दैट इज कॉल्ड द जाइलम। जाइलम तक पहुंचेगा और आपको पता है जाइलम वो टिश्यू है जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो रूट हेयर, एपिडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद आएगा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद जाइलम। अगर पेरिसाइकिल के बाद भी आपको लिखना है तो स्टील लिखिए, एस टी ई एल ई, स्टील। स्टील के अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं और फिर उसके बाद जाइलम आपका होगा, लेकिन पेरिसाइकिल के बाद जाइलम आपको मिल जाएगा। तो दिस इज द पाथ ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, देन आफ्टर जाइलम द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी, प्लाज्मोलिसिस, ये सारे टर्म्स हैं। टर्जिडिटी, सपोज ये कोई सेल है, ये सेल है, व्हेन वाटर गोज इनसाइड दिस सेल थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इम्बाइबिशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दीट स्वेल अब्सॉर्ब द वाटर एंड गेट स्वेल अप, सूज जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टर्जिडिटी। जब सेल में फुली स्ट्रेंथ हो जाती है, एकदम खिंच जाती है, दैट इज कॉल्ड द टर्जिडिटी। Now next is flaccidity, when the loss of water, अब यहां से water का loss हुआ, cell get shrink, ये क्या हो गई, shrink, this condition is called the flaccidity। वाटर का अब्सॉर्प्शन करके सेल स्वेल अप हो जाएगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड टर्जिडिटी। एंड व्हेन द लॉस ऑफ वाटर और सैप द सेल गेट श्रिंक, दैट इज कॉल्ड फ्लैसिडिटी। फ्लैसिडिटी लीड्स टू प्लाज्मोलिसिस, फ्लैसिडिटी लीड्स टू प्लाज्मोलिसिस। अब ये प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस भी यही कंडीशन है। अब इसमें क्या होता है, वाटर का लॉस तो इसमें भी हुआ, मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल्स टू आउटसाइड, वो अगली कंडीशन भी होता है प्लाज्मोलिसिस में। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, दिस प्लाज्मा लेमा इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेल वॉल। अगर ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा लेमा जो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये इससे सेपरेट हो जाती है और श्रिंक कर जाती है, और जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मोलिसिस। क्लियर? And the next is deplasmolysis, when same cell will put in the pure solvent, when same cell is put in a pure solvent, this cell regain or reshape in their normal position, this process is called the deplasmolysis। क्लियर हो रही होगी आपको बात, डी प्लाज्मोलिसिस। एक बार फिर से चारों टर्म्स को
टर्जिडिटी, एनी सेल एब्जॉर्ब वाटर एंड इट फॉर्म्स अ फुली स्ट्रेच, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द टर्जिडिटी. व्हेन सेम सेल और द अदर सेल लूज द वाटर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल गेट श्रिंक, दैट कंडीशन इज कॉल्ड द फ्लैसिडिटी. द फ्लैसिडिटी लीड्स टू प्लाज्मोलिसिस. इन प्लाज्मोलिसिस द प्लाज्मा लेमा और सेल मेम्ब्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेल वॉल, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मोलिसिस. व्हेन सेम सेल इज पुट इन अ प्योर सॉल्वेंट दे रिगेन्स देयर शेप एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डी प्लाज्मोलिसिस. तो फिर से रिगेन कर लिया शेप, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया और ये हट जाएगा, दैट इज कॉल्ड द डी प्लाज्मोलिसिस. तो ये सिंपल प्रोसेस है. नाउ नेक्स्ट इज टोनिसिटी. व्हाट इज टोनिसिटी? इट इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन प्रेजेंट आउटसाइड द एनवायरनमेंट, आउटसाइड और द एनवायरनमेंट. टोनिसिटी, इट इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन प्रेजेंट आउटसाइड एंड इन दिस कंडीशन दे प्रोवाइड द डायरेक्शन एंड द एक्सटेंड ऑफ डिफ्यूजन. कहने का मतलब है कि सपोज करिए दिस इज अ सेल, तो इसके बाहर का कंसंट्रेशन कैसा है, बाहर का कंसंट्रेशन कैसा है, उसी के बेस पर आपको डायरेक्शन या फिर इसको डायरेक्शन मिलेगी कि मूवमेंट अगर ज्यादा है तो अंदर की ओर और बाहर कम है तो ये इधर जाएगा और यहां ज्यादा है तो बाहर की ओर मूवमेंट होगा वाटर का. दैट इज कॉल्ड अ सिंपल डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ वाटर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो ऑन द बेसिस ऑफ टोनिसिटी इट इज ऑफ थ्री टाइप. तो थ्री टाइप टोनिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, थ्री टाइप. फर्स्ट इज हाइपर टोनिक, हाइपो टोनिक एंड द आइसो टोनिक. टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन एंड हाइपर मीन्स मोर, हाइपो मीन्स लेस. हाइपर मोर, टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन, हाइपो मीन्स लेस, टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन, आइसो मीन्स सेम, टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन. तो ये बात समझ में आ गई आपको. अब इस कंडीशन में होता क्या है, सपोज अ सेल एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. हाइपरटोनिक की पहले बात कर रहे हैं. इन दिस कंडीशन आउटसाइड द टोनोसिटी में क्या कहते हैं, रिलेटिव कंसंट्रेशन आउटसाइड एनवायरनमेंट हमने वर्ड यूज किया, तो बाहर की तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव आउटसाइड टू इनसाइड द सेल. वाटर मॉलिक्यूल मूव आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, दिस इज कॉल्ड द हाइपर टोनिक अटोनिसिटी. क्लियर? इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन इज मोर इन द सेल देन द आउटसाइड. इन दैट कंडीशन द वाटर इज मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड द हाइपोटोनिसिटी. क्लियर? इन हाइपोटोनिसिटी द सेल सैप हैज लेस कंसंट्रेशन देन द आउटसाइड, देन द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, दैट इज कॉल्ड द हाइपरटोनिसिटी. एंड इन हाइपोटोनिसिटी द कंसंट, हाइपो मीन्स लेस, लेस आउटसाइड बाहर की तरफ कम है तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड द हाइपोटोनिसिटी. नाउ इन द आइसोटोनिक, आइसोटोनिक
द कंसेंट आइसो मीन सेम, कंसेंट्रेशन इज सेम आउटसाइड एंड इनसाइड, देयर इज नो फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स आउटसाइड और इनसाइड, दिस इज कॉल्ड द आइसो टोनिसिटी. क्लियर. अब इसी के बेस पे क्वेश्चंस पूछते हैं, डायग्रामेटिक बेस दे देंगे, आपको कंडीशन दिखा देंगे, अब क्वेश्चंस पूछेंगे कि कौन सा प्रोसेस है, कौन सी टोनिसिटी है, इसमें क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और पूछ लेगा इसी में से क्वेश्चंस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना. अब आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं. अगले लेक्चर में हम जितने भी प्रेशर्स लग रहे हैं, प्रेशर्स की बात करें आपका, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर्स, रूट प्रेशर्स, जितने भी प्रेशर्स है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. क्लियर. क्योंकि हमें एक टॉपिक बच रहा है, एसेंट ऑफ सैप. एसेंट ऑफ सैप भी वही एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे ही बेस्ड है, उसको अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो उसी में जितने प्रेशर्स हैं और अभी तक जो सेल्स के मूवमेंट में यहाँ पे प्रेशर लगते हैं, कौन कौन से प्रेशर लग रहे हैं, हम इसको क्लियर कर लेंगे. क्लियर. थैंक यू.